हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 7 बकस से प्रतिकार पढ़ा रही हूँ। बकस से प्रतिकार का अर्थ होता है बगुले का बदला। ये एक स्टोरी है, कल मैंने आपको स्टोरी के बारे में पढ़ाया था, आज हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। एकस्मिन वने सगाले बके च निवसते, इसमें एक वन में एक सियार और बगुला दोनों रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्राते श्रगाले बकम एवदत, एक बार सुबह सियार बगुले को बोला। एकस्मिन वने श्रगाले बके च निवसते, इसमें एक वन में एक सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसी, दोनों में मित्रता थी। एकदा प्राते श्रगाले बकम एवदत, एक बार सुबह सियार बगुले से बोला, मित्र मित्र स्व त्वम मया सह भोजनम करू, कल तुम मेरे साथ भोजन करना। श्रगाले से निमंत्रण, बके प्रसन्न अभवत, सियार के निमंत्रण देने से बगुला बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक वन में सियार बगुला दोनों रहते थे, दोनों में मित्रता थी। एक बार सुबह सियार ने बगुले को कहा, मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। सियार के निमंत्रण से बगुला बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने से भोजनाय श्रगालस्य निवासम अगच्छत, अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिले स्वभावे श्रगाले स्थालियां बकाय शिरोदनम ऐच्छत, जो कुटिल स्वभाव वाला सियार था उसने थाली में बगुले के लिए खीर दी। शिरोदनम का अर्थ रहा खीर। शिर मतलब दूध, ओदनम मतलब चावल, दूध चावल से बनती ना खीर, इसलिए को शिरोदनम कहा गया है। बकम एवदत, बगुला बोला, जय मित्र और मित्र, अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सेवे खादा है, इस पात्र में हम दोनों साथ साथ भोजन करते हैं। आओ इस बर्तन में हम दोनों साथ साथ भोजन करते हैं। बकस भोजन काले बकस चंचू, स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न बहुत, भोजन के समय बगुले की जो चोंच थी थाली से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ नहीं हुई। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन लेने में समर्थ नहीं हुई। अतः बके केवलम शिरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रह गया। श्रगाले तू सर्वम शिरोदनम अपश्यत, और सियार ने सारी खीर खा ली। पुनः रिपीट कर रही हूँ। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दी और बगुले को बोला, मित्र इस पात्र में यानी इस बर्तन में हम दोनों साथ साथ भोजन करते हैं। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, यानी थाली से भोजन नहीं ले सकी, और बगुला जो था वो केवल खीर को देखता रह गया और सियार उस सारी खीर को खा गया। श्रगाले वंचिते बके अचिंत्यत, सियार के द्वारा ठगे गए बगुले ने सोचा यथा अनेन मया सह व्यवहारम करते, जैसा व्यवहार इसके द्वारा मेरे साथ किया गया है, जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया है, तथा अहम अपितेन सह व्यवहारिष्यामि, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा, जैसा इसने मेरे साथ किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा सह श्रगालम अवदत, इस प्रकार सोचकर वह सियार को बोला, मित्र त्वम अपि स्व साय मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रे श्रगाले प्रसन्न अभवत, बगुले के निमंत्रण से सियार बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। तदा श्रगाले साहे बकस्य निवासम भोजन अगच्छत, जब सियार शाम के समय बगुले के घर पर भोजन के लिए गया, तदा बके सकीर्ण मुखे कल से शीरो न मैचत, तब बगुले ने भी छोटे मुंह वाले कलश में, अपने सुराई देखी ना उसमें, छोटे मुंह वाले कलश में उसको खीर दे दी। श्रगाले चेवदत और सियार को बोला, हे मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सेवे भोजन करुए, हम दोनों साथ साथ इसी पात्र में भोजन करते हैं। बके कल के साथ संचुआ शिरो ओदनम खारे खारत अखादत, बगुले ने तो कलश से नहीं घड़े से अपनी चोंच के द्वारा खीर खा ली, परंतु श्रगाले से मुखम कलेश से न प्राविशत, लेकिन सियार का मुंह उस घड़े में नहीं गया। अतः बके सर्वम शिरो ओदनम खारत,
इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रगाले चय केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल जलन के मारे उसको देखते, जलन से उस ईर्ष्या से उसे देखता रहा। श्रगाले बके प्रति यादृशं व्यवहारम अक्रोत, सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बके अपि बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। मैं रिपीट कर रही हूँ हिंदी, ओनली हिंदी रिपीट कर रही हूँ। सियार के द्वारा ठगे हुए बगुले ने सोचा कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, मैं भी साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। इस प्रकार सोचकर उसने सियार को बोला कि मित्र, तुम कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले की मित्र को सियार प्रसन्न हो गया। तब सियार शाम को बगुले के घर पे भोजन करने गया, तो बगुले ने छोटे मुंह वाले कलश में खड़े में खीर दे दी। सियार को बोला, हे मित्र, आओ हम दोनों इसी पात्र में भोजन करते हैं। बगुला जो था वो उस कलश से अपनी चोंच के द्वारा खीर खाने लगा, लेकिन सियार का मुंह उस कलश में प्रवेश नहीं करा, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली और सियार केवल जलन से उसे देखता रहा। इस प्रकार सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था ना, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। इसलिए कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहार से फलम बहुत ही दुखम, कि किसी साथ अगर दुर्व्यवहार करते हो उसका फल भी दुखदायी होता है। अगर आप किसी साथ दुर्व्यवहार करते हो, बुरा व्यवहार करते हो, उसका फल भी क्या होता है, दुखदायी होता है। तस्मा सद्व्यवहार तवयम मानवे सुखी सना, इसलिए जो मानव सुख चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो उसे हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका फल भी क्या होता है, दुखदायी होता है, और अच्छे व्यवहार का फल सुखदायी होता है। तो इस प्रकार बगुले ने सियार से अपने अपमान का बदला ले लिया।